हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उसके बारे आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, मेरे पास थोड़ी टाइम कम है, आज मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। जो भी नया बच्चा है मेरे सारे वीडियो पढ़ाई यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। चलिए, एग्जामिन द वेदर एक्टिविटी ऑफ इम्पोर्ट सर्विस ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। इस केस में हम क्या करते हैं, पहले देखते थे क्या टिटरेट सप्लाई, पहले केस में थे टिटरेट सप्लाई होगा ना सर्विस होगा, देखते हैं इस केस में देखें कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में सारे क्या क्या होगा। तीन केस चलते हैं। मिस्टर श्रीनेथ कोसी की रिसिव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर ए रेसिडेंट लोकेटेड बांद्रा मुंबई, मतलब ये बांद्रा में कौन रह रहा है, ये रह रहा है मिस श्रीनेथ कोसी की, ठीक है। और सर्विस कहाँ से रिसीव किया है, जैसे रिचल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सर्विस रिसीव किया है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है रिचेल है, रिचेल कहाँ रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मतलब ये रिचेल है सर्विस प्रोवाइडर एंड ये जो मिस है और श्रीनिधि है सर्विस रिसीवर, ये कहाँ रहता है, इंडिया में बांद्रा में मुंबई पर, ठीक है। अभी पेड किस में हुआ है, डॉलर पे हुआ है, चलिए 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अभी क्या करें, आंसर देखें। क्वेश्चन 10 अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017, ओके, इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ऑफ सर्विस और कंसिडरेशन। यह आपको हमेशा यार ये क्या है, प्रोविजन लिखना चाहिए, इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये भी उसको सेक्शन 7 सप्लाई होगा। कंक्लूजन क्या होगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन बाय मिस श्रीनिधि कौशिक इज नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओके, ये कोई बिजनेस नहीं है, मतलब जो बिजनेस के लिए मिस श्रीनिधि ने सर्विस रिसीव किया है। बट इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस हैज बीन अवेल इन रेस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंट, इट वुड बी अमाउंट ऑफ सप्लाई, मतलब जो देखा है ये जो सर्विस जहाँ रिसीव किया है वो क्या है, रेसिडेंट में रिसीव किया है, मतलब इंडिया में। और सर्विस जहाँ प्रोवाइडर है वो कौन है, वो है बाहर में, इंडिया का बाहर में, इसी वजह से ये होगा सप्लाई होगा, ठीक है। सप्लाई मतलब GST आप दोगे। अभी क्वेश्चन 2 में चलते हैं, क्वेश्चन 2i में चलते हैं, ठीक है। मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर योर रेसिडेंट लोकेटेड बांद्रा, वही दूसरा केस, दूसरा केस पहला केस है, ये केस इतना खत्म। पर ये जो सर्विस रिसीव किया है ब्रदर से किया है, ठीक है। पर ब्रदन बरुण ये कहाँ है, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी ऑस्ट्रेलिया है, ये फिर यही है क्वेश्चन का पूरा, क्या बोलते हैं ना, क्वेश्चन पूरा डिपेंड करता है इसी में, होली डिपेंडेंट, मतलब फाइनेंशियल डिपेंडेंट है मिस श्रीनिधि के ऊपर, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए टैक्सेबल पर्सन, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए टैक्सेबल पर्सन, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम इजोलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया विदाउट कंसिडरेशन इज ट्रीटेड ऑफ सप्लाई, मतलब रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया वो विदाउट कंसिडर होगा भी और सप्लाई होगा इफ इट इज प्रोवाइडेड कोर्स और बिजनेस, जब भी कोर्स और बिजनेस में आएगा तब जाके वो हमें सप्लाई मानेंगे, ट्रीटेड करेंगे सप्लाई, ठीक है। अभी चलते हैं केस पे। मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड फॉर इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम ब्रदर, मिस श्रीनिधि एंड अवर ब्रदर शैल बी कंसिडर टू बी रिलेटेड और मिस श्रीनिधि ब्रदर इज होली डिपेंडेंट ऑन हर, मतलब ये जो वरुण है ब्रदर होली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, रिसीवर ऊपर, श्रीनिधि ये कौशिक ये रिसीवर है, किसके डिपेंडेंट है, श्रीनिधि के ऊपर, जो ब्रदर है डिपेंडेंट उसके ऊपर, श्रीनिधि के ऊपर। चलिए कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, मिस श्रीनिधि हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर योर रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब इंडिया में रहने के, इंडिया में रह के रिसीव किया है, इसका मतलब है रेसिडेंट का मतलब यह है, एंड नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस, मतलब कोई बिजनेस के लिए वो रिसीव नहीं किया है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस श्रीनिधि ब्रदर टू योर वुड बी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, यहाँ में क्यों सप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ इस पॉइंट पर होली डिपेंडेड ऑन हर, जो उसका ब्रदर जो है होली डिपेंडेड किस पे है, उसके ऊपर है, इसी वजह से यह टैक्स नहीं लगा व सप्लाई नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन 3, तुम्हारा आंसर डिफरेंट होगा, तो मिस श्रीनिधि हैज टेकन इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस रिगार्ड बिजनेस आर नॉट हर रेसिडेंट, क्या इसका मतलब क्या समझते हैं, इफ मिस्टर मिस इन द टेकन इंटर डेकोरेशन सर्विस विथ रिगार्डेड टू हर बिजनेस प्रेमिसेस, मतलब बिजनेस के लिए खरीदे, सर्विस प्रोवाइड बाय मिस्टर मिस मिस श्रीनिधि ब्रदर हर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है, ये बिजनेस के लिए खरीदे तो हमारा ट्रीटेड हो गया सप्लाई, ठीक है। चलिए कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया तो यहाँ में ट्रीटेड हम सप्लाई करेंगे, क्लियर। चलिए अभी क्वेश्चन 11 जाते हैं,
डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है ना नहीं है, यहाँ हम जो 11 नंबर है कंपोज सप्लाई है ना नहीं है ये देखेंगे। ये होटल प्रोवाइड्स 4 डे 3 नाइट पैकेज फैसिलिटी फॉर ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइडिंग अलॉन्ग विथ रूम एकोमोडेशन, जो रूम जो रेंट है ना रूम का जो रहते हो 1200 रुपया 1500 रुपये, उसी में तुमको 4 दिन 3 नाइट भी रह सकते हो रहोगे और ब्रेकफास्ट भी डिनर भी मिलेगा, ये होगा कंपोजिट है ना नहीं है हम देखेंगे। चलिए 11 नंबर, कंपोजिट सप्लाई टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये प्रोविजन है एनी कॉम्बिनेशन और नेचुरल बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजक्शन विथ ईच अदर, ये प्रोविजन भी है। इन दिस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वन ऑफ दी व्हिच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब एक वो प्रिंसिपल सप्लाई हमेशा होगा। देखो नहीं यहाँ में रूम है प्रिंसिपल सप्लाई, ये में आते हैं आंसर शीट में। सप्लाई ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर विथ दी अकोमोडेशन इन दी होटल एंड नेचुरल बंडन शेड सप्लाई क्वालिफाई एज ए कंपोजिट सप्लाई, ठीक है ये क्वेश्चन नंबर ए का होगा, सप्लाई क्या हुआ क्वालिफाई सप्लाई हुआ। क्वेश्चन बी पर आते हैं, ए टूथपेस्ट कंपनी ऑफर ए स्कीम ऑफ फ्री शॉप एलोंग विद टूथपेस्ट, ठीक है फ्री दिया उसके सप्लाई ऑफ सॉप एलोंग विथ टूथपेस्ट आर नॉट नेचुरली बंडल सेड सप्लाई डज नॉट क्वालिफाई एज कंपोजिट सप्लाई, मतलब जगह ये देखो क्वेश्चन में ये जो लिखा है ना टूथपेस्ट कंपनी ऑफर्ड फ्री सॉप, जो सॉप जो आप साफ करते हो जो हम लोग ना सर्फ ला के आना जाके जो होता है जो मैंने सर्फ एक्सेल जो होते हैं हुईल होते हैं कि टूथपेस्ट खरीदोगे और तुम्हें ये मिलेगा सर्फ मिलेगा थोड़ी नेचुरल बंडल है क्या नेचुरल मिल के नेसेसिटी कुछ नहीं इस वजह से क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज सोल्ड फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम टू अकबर रिटेल, मतलब दमदम सेल किया किसको अकबर को, रेफ्रिजरेटर 500 लीटर टैक्सेबल 18%, स्टेबिलाइजर रेफ्रिजरेटर जो स्टेबिलाइजर है रेफ्रिजरेटर का ये 12% है, एलईडी स्टेबिलाइजर 42 इंच ये कितना है 12% है 12% है। ये क्या देखे स्प्लिट एयर कंडीशनर 2 टन टैक्सेबल 28%, स्टेबिलाइजर फॉर एयर कंडीशन है 12%। हम क्या अभी करेंगे, डायमंड दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स इशूड ए सिंगल इनवॉइस, मतलब ये सारा जो है ना ये 3 आइटम ये 2 आइटम सारे को मिला के सिंगल इनवॉइस बनाया है, मतलब एक ही इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच एबव आइटम सेपरेट इन दिस है, मतलब ये सारे भी सेपरेट सेल हो सकता था वो ये में सारे मिलकर एक सिंगल इनवॉइस बनाया है। तब कम अकबर रिटेल स्टोर हैज बीन गिवन ए सिंगल चेक 1 लाख, ये सारे को मिला के वो बोला सिंगल चेक दिया 1 लाख। अब हमें क्या करेंगे, ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई अभी अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये सप्लाइड बाय द दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट नेचुरली बंडल, मैंने नहीं कोई नेचुरली बंडल नहीं है इंडिपेंडेंट बेचा हो सकता है, इन दिस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यस सच सप्लाई इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई, कभी कंपोजिट सप्लाई नहीं हो सकता कि वो नेसेसिटी भी नहीं है और नेचुरली बंडल भी नहीं है। अकबर रिटेल स्टोर हैज पेड ए कंपोजिट डिस्काउंट प्राइस फॉर दीज गुड्स, ये कभी नहीं ठीक नहीं है। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज नॉट ए चार्ज सिंगल प्राइस फॉर दी सेड सप्लाई, सप्लाई इज नॉट ए मिक्सड सप्लाई इज ऑल्सो नॉट ए मिक्स सप्लाई, क्यों नहीं अभी देखते हैं ये कंक्लूजन में, ठीक है नॉट ए कंपोजिट भी नहीं है मिक्स सप्लाई में क्या है, सप्लाई ऑफ द गुड्स आर इंडिविजुअल आइटम व्हिच आर टैक्सेबल और द रेस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल ऑफ दे, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम आने के लिए, क्यों ये कंपोजिट भी नहीं है और मिक्सड भी नहीं है। उसके बाद हम ये देखेंगे सप्लाई ऑफ दीज गुड्स इंडिविजुअल आइटम आर व्हिच आर टैक्सेबल एट द रेस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल टू टैक्स, क्यों हुआ यहाँ में क्या लिखा है क्या हाईएस्ट रेट टैक्स अट्रैक्टेड, क्या भी लिखा है हाईएस्ट रेट टैक्स अट्रैक्टेड लिखा है नहीं, मिक्स सप्लाई लिखा है नहीं, इसी वजह से यहाँ में नॉर्मल रेट लगता है, ठीक है। क्वेश्चन 12 क्लियर हुआ, अभी चलते हैं क्वेश्चन 13 पर। क्वेश्चन 13 ये जी मनीकरण ए रजिस्टर सप्लाई ऑफ डेली, मनीकरण है रजिस्टर सप्लाई डेली का है, सप्लायर 20,000 पैकेज आर 30 इच, तापर मुखीजा गिफ्ट टू इच टू मुखीजा गिफ्ट शॉप इन पंजाब, ठीक है सप्लायर 20,000 पैकेज 30 इच का मुखीजा गिफ्ट शॉप को किया, ओके
ईच पैकेज कंसिस्ट टू चॉकलेट, क्या ईच पैकेज में मतलब एक ही पैकेज में दो चॉकलेट है, अ फ्रूट जूस बोटल एर पैकेट ऑफ टॉय बेलून डिटरमाइन दी रेट्स ऑफ GST एप्लीकेबल इन दी गिवेन केस अज्यूमिंग दी रेट ऑफ GST टू बी एज अंडर गुड्स आर सर्विस सप्लायर्ड GST रेट चॉकलेट 18%, फ्रूट जूस बोटल 12%, तब टॉय बेलून 5%। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, 13 में क्वेश्चन क्या करना चाहिए, देखो मिक्स सप्लाई मीन्स, अभी देखो यहाँ मिक्स सप्लाई पहले से ही बोल दिया है, मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और एनी कॉम्बिनेशन दे आर ऑफ मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर बाई ए टैक्सेबल पर्सन फॉर ए सिंगल प्राइस सप्लाई ऑफ ए पैकेज कंटेनिंग चॉकलेट फ्रूट जूस बोटल एंड ए पैकेट्स ऑफ टॉय बेलून इज ए मिक्स सप्लाई ईच आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली बट मिक्स सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच एट हाइएस्ट अट्रैक्ट द हाइएस्ट टैक्स रेट। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स कौन है, 18% है। ठीक है, इसमें 18% के 20,000 इंटू 30 इंटू 6 लाख इंटू 18% हुआ 108,000 का टैक्स आप दोगे, बट हमको टैक्स दे देना है, हमको इतना निकालना है। ठीक है, अभी चलते हैं हम 14 क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आखिरी में एक क्वेश्चन छोड़ूंगा तुमको होमवर्क के लिए, सॉरी होमवर्क नहीं होमवर्क के लिए। ठीक है, मतलब आंसर शीट दे दूंगा आंसर शीट, बट तुमको खुद करोगे शायद, मैं देखता हूँ तुम कर पाते हो ना नहीं कर पाते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन 14, गंगा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस रिपेयर सर्विस फॉर हेवी स्टील मशीन। ओके, फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क गंगा इंजीनियर प्राइवेट LTD सेंड्स इट्स कंटेनर ट्रक इक्विपेटेड विथ आइटम लाइक रिपेयर इक्विपमेंट कंज्यूमेबल टूल्स पार्ट एक्सेट्रा हरियाणा देखिए फ्रॉम हरियाणा वर्कशॉप टूर्स ओन रिपेयरिंग सेंटर रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ लोकेटेड इन अदर स्टेट अक्रॉस इंडिया where the client machinery being brought and being repaired discuss levyable like GST interstate movement abhi pehla question aaya interstate movement truck from the workshop abhi kya karenge ya dekhenge kya hota hai yes question ka decision question number 14 a person who has obtained monsters required theek hai isko dekh obtain ka matlab to hai but ye to mano required hai ye tumko acche samajh aayega ए पर्सन हुआ जो रिक्वायर्ड मुझे पानी चाहिए मैं तो 2 से 3 घंटा हो गया बात कर रहा नहीं ये छोड़ो मैं ये इस क्लास खत्म करके पीऊँगा मेरा गला थोड़ी सूख रहा है ए पर्सन हु आज ऑब्टेन मीन्स रिक्वायर्ड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन और Union Territory shall, in respect of each such registration, be treated as distinct person. मतलब a person one state or Union Territory में हो सकता है more than one state or Union Territory shall, in respect of इसको बोलेंगे distinct person. Conclusion में क्या होता है interstate movement of a truck from the workshop of a Ganga Engineer Private Limited. Located in Haryana to its repair center located in other state. Neither is supply of goods भी हो सकता है supply of service भी हो सकता है क्लियर मेरे बच्चों आगे चलो क्वेश्चन 15 PTL प्राइवेट LTD इज ए रिटेल स्टोर ऑफ मर्चेंडाइज लोकेटेड इन 25 स्टेट क्या PTL LTD रिटेल स्टोर कितना है 25 स्टेट यूनियन टेरिटरी में है फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक मर्चेंड एंड अट्रैक्ट कंज्यूमर प्राइवेट PTL LTD लॉन्चेड स्कीम क्या है लॉन्च क्या स्कीम क्या जो ऑफर बोलते हैं ना लॉन्च स्कीम क्या बॉय वन गेट वन ठीक है बॉय वन गेट वन फ्री फॉर दि सेम टाइप ऑफ मर्चेंडाइज फॉर दि इंस्टेंट वन शर्ट टू गिवेन फ्री विथ परचेज वन शर्ट ठीक है
डिटरमाइन हाउ द टैक्सेबिलिटी ऑफ द गुड सप्लाई अंडर बाय वन गेट वन स्कीम डिटरमाइन, कैसे होगा ये सारे चीज़ें, टैक्स कैसे डिटरमाइंड होगा। सेक्शन सेवन क्लॉज वन, सॉरी सेक्शन सेवन मतलब वन क्लॉज ए, दी गुड्स आर सर्विसेज व्हिच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई बाय वन गेट वन फ्री स्कीम इट इज मे अपियर एट फर्स्ट ग्लांस दैट इन केस ऑफ ऑफर बाय वन गेट वन वन आइटम इज बीइंग सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। ओके अब आप क्या करेंगे, हाउ एवर इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री ऑफ गुड्स बट ए केस हैव टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई हर ए सिंगल प्राइस, क्या सिंगल प्राइस, क्या लिखा है सिंगल प्राइस, ये है क्वेश्चन को पूरा चेंज करता है, अभी टैक्स लगेगा जीएसटी लगेगा ठीक है, दो चीज़ों को बाद दो से तीन चीज़ों को एक सिंगल प्राइस में तुम लेते हो तो पूरा एंटायर सप्लाई ऊपर लगेगा टैक्स, मतलब एंटायर अमाउंट ऊपर टैक्स लगेगा ठीक है। चलिए कंक्लूजन क्या है, टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल बी डिपेंडेड अपॉन एज टू वेदर सप्लाई इज ए कंपोजिट सप्लाई और मिक्सड सप्लाई, डिपेंड करता है ये कंपोजिट है ना मिक्सड है ठीक है। ये जो 15, 14, 13 ये ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन में आने के लिए, इसलिए पूरा धीरे से तुम पढ़ना है। आखिरी क्वेश्चन मैं सोच रहा था छोड़ दूंगा, फिर भी मन नहीं करता है, चलो समझा देता हूँ ठीक है। सर्वना एंड सन्स विशेस टू स्टार्ट सप्लाइंग लिक्वर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ओके इट्स अप्लाई फॉर लाइसेंस फॉर सेलिंग लिक्वर टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर इट हैज चार्ज स्पेसिफाइड फी फ्रॉम इट, ओके एग्जामिन वेदर ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर लाइसेंस बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट क्वालिफाई एज सप्लाई, देखते हैं क्या होता है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लाइसेंस कौन देगा स्टेट गवर्नमेंट देगा, हैव बीन नोटिफाइड बाय द ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, सच लाइसेंस इज ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी, ये क्या होगा सच लाइसेंस ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन, जो लाइसेंस देते हैं वो फ्री में तो नहीं देते ना, उसमें फी लेते हैं ठीक है, जो पैसा लेते हैं और एप्लीकेशन फी, मतलब लाइसेंस भी हो सकता है और एप्लीकेशन फी भी हो सकता है, कंसिडरेशन बदले में गवर्नमेंट हमको हमको क्या देता लाइसेंस दिया हम उसको फी दिए, लाइसेंस भी हो सकता है एप्लीकेशन फी भी होता है, मान लो गवर्नमेंट हमको लाइसेंस दिया हमको ईयर एंड में पैसा देना है लाइसेंस का पैसा बाय एप्लीकेशन का पैसा, नॉर्मल बात सीधा। अब कंक्लूजन बोलेंगे, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर लाइसेंस बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सनोवा एंड सन जी नाइदर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस, दोनों में कोई हो सकता है एक। आज मेरी खुशी मैं खुश बनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थिंक हमारा अभी क्या क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन सप्लाई अंडर जीएसटी का कंप्लीट हो गया, बहुत खुशी का बात है ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सब्जेक्ट हम छोड़ेंगे क्या रेसिडेंटियल टैक्स, अभी हम सोच रहे हैं टैक्स को ख़त्म कर देंगे ठीक है, फिर हम आगे फॉरेक पढ़ेंगे ठीक है। इतना रिक्वेस्ट है शेयर करना, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब इनके नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ शेयर करना, क्यों कोरोना में बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए है बिकॉज ऑफ मनी, हमें जो इंडिया में 70% लोग रहते हैं मिडिल क्लास फैमिली जो अकेले एक पिता इनकम करते हैं उसमें सारा परिवार चलता है, वो पिता जो है ना उसका ही जॉब ही नहीं है, जो पिताजी ना उसका जॉब नहीं है क्या करेंगे, मतलब बाउंड होकर बच्चे को पढ़ाई छोड़ने के पड़ा, मैं ये नहीं चाहता हूँ। एजुकेशन टू की सक्सेस एवरीवन, एजुकेशन नहीं होगा तो कोई भी सक्सेसफुल बनने बहुत कठिन है,
वजह से यूट्यूब हमारे पास है, इसीलिए तुम शेयर करो, कुछ भी हेल्प करना चाहते तो। वो मेरे लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ठीक? क्यों ना, यही तुम्हारा फीस है, ठीक है? चलिए रखते हैं, तुम खुश रहो, सबको खुश रखो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, वंदे मातरम।